दोस्तों, आजकल बहुत लोगों में पेट से जुड़े रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खास तौर पर तो पेट में गैस, पेट फूलना, पेट टाइट महसूस होना और पेट में दर्द रहना, ऐसी प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में देखी जाती है। जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं उन लोगों को तीन दवाओं के बारे में बताऊंगा। ये तीन दवाओं में से अगर कोई एक दवा भी वो यूज़ कर लेते हैं तो उनकी जो ये पेट से जुड़ी प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, यानी कि ये गैस की जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। खास तौर पर अगर वो तीसरी दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर वो यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि तीनों दवा का रिजल्ट सेम है, लेकिन जो तीसरी दवा है उसका रिजल्ट बेस्ट है। और साथ साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा इन दवाओं को कैसे लेना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, सही समय पे अगर आप लेते हो दवाई तो दवाई का फ़ायदा होता है, नहीं तो बहुत कम असर देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए, देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस किसी को भी पेट में गैस, एसिडिटी, खट्टी ढकार, बदहजमी और पेट फूलना, पेट टाइट महसूस होना, ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, जो तीन दवाएं मैं बताने वाला हूं उनमें से कोई भी एक दवा ज़रूर इस्तेमाल करें। तो जो इसमें पहली दवा है उसका नाम है लोमैक 20 mg कैप्सूल। लोमैक 20 mg कैप्सूल एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल होते हैं और इस 15 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 50 रुपये। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है ओमीपराजोल 20 mg। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें ताकि आपको खरीदने में आसानी हो। अब जो दूसरी दवा मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है पेन 40 mg टैबलेट। पेन 40 mg टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होती हैं। प्राइस इसका होता है 155 रुपये, यानी 155 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है एल्कम लेबोरेटरीज़ और कॉम्पोजिशन इसमें होता है पेंटोप्राजोल 40 mg, और आप इसे भी नोट डाउन जरूर कर लें ताकि आपको ख़रीदने में आसानी हो, या फिर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब जो तीसरी दवा मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है रेबिकाइन DSR कैप्सूल। रेबिकाइन DSR कैप्सूल एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में लगभग 10 कैप्सूल होते हैं। प्राइस इसका होता है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है मैनकाइंड फार्मा और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है रेबीपराजोल 20 mg, डोमपरीडोन 30 mg। आप इसे भी नोट डाउन जरूर कर लें, या फिर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो ताकि आपको ख़रीदने में ये आसानी हो। इन तीनों दवाओं में से आप कोई भी एक दवा यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इन दवाओं में से अगर कोई एक यूज़ कर रहे हो तो कैसे आपको लेना है। दोस्तों, लेने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। चलिए, आप जानते हैं इन्हें लेना कैसे होता है। अगर आप लोमैक 20 mg कैप्सूल ले रहे हो, आपको दिक्कत है, तो आप एक कैप्सूल सुबह खाली पेट जरूर लें, नाश्ते से आधे घंटे पहले। अगर दिक्कत ज़्यादा है तो शाम को भी एक कैप्सूल आप ले सकते हो, कम से कम 5 से 7 दिन तक। उसके बाद एक कैप्सूल पर डे लेना शुरू कर दें, कम से कम 15 से 20 दिन तक। अब अगर आप मान लीजिए पेन 40 mg टैबलेट यूज़ कर रहे हो, तो पेन 40 को भी ऐसे ही यूज़ करना है। अगर आपको दिक्कत है तो आप सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले एक टैबलेट ज़रूर लें, उसके बाद आप नाश्ता करें आधे घंटे बाद। और अगर दिक्कत ज़्यादा है तो शाम को भी आप खाना खाने से आधे घंटे पहले एक टैबलेट ज़रूर लें। इस तरीके से आप 5 दिन यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक ही टैबलेट यूज़ करनी है कंटिन्यू। और रेबिकाइन DSR कैप्सूल को सिर्फ आपको एक ही बार लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ अगर आप एक बार सुबह नाश्ते से आधे घंटे पहले ले लेते हो तो आपको पूरे दिन गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, अगर आप ये यूज़ करते हो तो और बेहतर होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।